हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, यहां पे अगर देखो तो यहां पे एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि मूवी क्लिप्स डालने के बाद कॉपीराइट आता है, कैसे एडिट करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एडिटिंग का कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आप उसे अप्लाई करते हो तो आपके जो है वीडियो के ऊपर में कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मूवी क्लिप पर कैसे वर्क किया जाता है। तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे करूँगा, अपने नोटपैड को ओपन कर लूँगा। तो देखो फ्रेंड्स, मूवी क्लिप्स में जो दो तीन बातें आपको करनी होती है कि पहले तो आपको एक अच्छा सा वायरल मूवी क्लिप को सिलेक्ट करना होता है, मूवी को सिलेक्ट करना होता है। उस मूवी को जब आप तो पहला जो है सिलेक्ट कर लेते हो, सेलेक्ट करने के बाद जो होता है उसको एडिट करते हो। तो एडिटिंग में ही मैं आपको दो तीन जो है काम करने के लिए बताऊंगा, उसे आपको करना है। जैसे कि एडिट में आपको क्या करना है, पहला काम जो उस क्लिप को पहले बीच से काट कर निकाल देना है, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है आपको कि उसका जो है स्पीड को आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, यानी कि स्पीड को आपको 1.10x कर देना है, इतना स्पीड आपको कर देना है। दूसरे नंबर में मैंने इसे कहा है। और तीसरे नंबर में जो आपको करना है, तीसरे नंबर में क्या करना है कि उसका थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है। कलर करेक्शन करने के बाद जो चौथा नंबर आपको आता है, चौथा नंबर में बस ये जो है मेन चीज, पहले तो क्लिप सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्पीड बढ़ाना है, और तीसरा में कलर करेक्शन करना है, और चौथे नंबर में जो आता है हमारा आता है ऑडियो। और जब भी देखो कि ऑडियो से ही आपके मूवी क्लिप्स पर जो भी कॉपीराइट वगैरह आता है, ऑडियो से ही आता है। ऑडियो को अगर आप अच्छी तरह से एडिट नहीं करोगे तो आपको जो है कॉपीराइट का मसला रहता है और बार बार आपको कॉपीराइट देखने को मिलेगा। तो ऑडियो में क्या आता है, एक आता है पिच को चेंज करना। अगर आप पिच को ज़्यादा चेंज करते हो, पूरा कम कर देते हो, तो फीमेल का आवाज़ बन जाएगा। फीमेल का अगर आवाज़ बन जाता है आपके पिच में तो कभी भी आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। पिच को अगर आप डिक्रीज कर देते हो, अगर इसको इंक्रीज करोगे तो इसमें पूरा जो भारी हो जाएगा आवाज़, पूरा मेल के आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। अगर भारी भी करते हो पिच को तो भी आपको कॉपीराइट का मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पिच को ज़्यादा इधर उधर करोगे तो आपका वीडियो ही खराब हो जाएगा, और आपका वीडियो जब खराब हो जाता है, आवाज़ जब खराब हो जाएगा तो कोई जो है उसे देखेगा नहीं। अगर देखेगा नहीं तो वो वायरल भी नहीं होगा, और वायरल नहीं होगा तो कोई भी कमाई वगैरह भी नहीं होगा। तो सबसे जो मेन बात है ऑडियो, ऑडियो में थोड़ा सा आपको पिच को जो है बढ़ाना है, थोड़ा सा 1 कर देना है या फिर 2 कर देना है, इससे ज़्यादा आपको पिच को नहीं बढ़ाना है। जैसे कि जो भी सॉफ्टवेयर आप एडिटिंग के लिए यूज करते हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि आपने फिल्मोरा 9 का यूज किया, 12 का यूज किया, या फिर आपने शॉर्टकट का यूज करते हो, तो भी सभी में पिच को चेंज करने का ऑप्शन रहता है। या फिर अगर आप काइन मास्टर मोबाइल ऐप से भी अगर एडिट करते हो वीडियो को, तो वहाँ पे भी पिच को आप चेंज कर सकते हो। अब जब इतना काम करने के बाद भी आपको क्या आता है, कॉपीराइट आता है मूवी क्लिप्स पर। जो भी होता है कॉपीराइट आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कितनों भी तरीके से अगर आप एडिट करोगे तो आपको मैक्सिमम जो है मूवी क्लिप्स पर कॉपीराइट देखने को मिलेगा। तो अब आपको ट्रिक्स ये अप्लाई करना है कि सबसे पहले जो है 2005 से जो पहले फिल्म सब जो है रिलीज हुआ है उसे आपको चेकआउट करना है। 2005 से पहले वाला मूवी जितना भी होता है उसमें आपको कॉपीराइट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 2005 से पहले वाले मूवी इतना ज़्यादा वायरल भी नहीं होगा, तो चेक करो कि 2005 से पहले वाला मूवी को आप डाल सकते हो। जो सबसे ज़्यादा वायरल होता है वो मूवी कौन सा होता है, लेटेस्ट मूवी जो लेटेस्ट लॉन्च हुई होती है और वो जो है सभी हॉल में लगा हुआ होता है, सभी लोग उसके बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, न्यूज़ चैनल हो जहाँ पे भी देखोगे। जैसे कि लास्ट टाइम में पठान मूवी आया था तो इतना ज़्यादा वायरल हुआ था कि कोई भी उसका मूवी क्लिप्स लगा रहा था तो वो वायरल हो जा रहा था। तो लेटेस्ट मूवी सबसे ज़्यादा वायरल होता है। और अगर आप ज़्यादा पिच वगैरह को, जो मैंने यहाँ पे एडिटिंग के लिए आपको बताया कि इतना आपको अगर करोगे एडिटिंग में, जो इसका स्पीड वगैरह बढ़ाओगे, कलर करेक्शन करोगे, ऑडियो का पिच लेवल बढ़ा दोगे और कलर करेक्शन सब कुछ जब ये यहाँ पे अगर आप करते हो तो आपको कॉपीराइट का मसला देखने को मिलता है। नंबर 5 में जो मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, इसके बैकग्राउंड में भी अगर आप म्यूजिक लगाते हो और पूरा म्यूजिक को जो है डिक्रीज भी कर देते हो तब भी आपको कॉपीराइट देखने को मिलता है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के बाद भी। अब देखो जब इतना आता है तो लेटेस्ट मूवी पर लोग कैसे काम कर रहे होते हैं, और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे बंदे उस पर काम करते हैं और उससे अर्निंग भी करते हैं। तो वे लोग कैसे करते हैं
तो वे लोग इस तरह से करते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे अगर आपने समझ लिया तो आपका जो है कोई भी मूवी क्लिप्स पे कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। जो कि मैं इसे शुरू से ही बता रहा हूँ कि जब ये एक आप पेज क्रिएट करो तो उसका कम से कम 3 एडमिन रखो। अगर आप मूवी क्लिप्स पर काम करते हो तो एक पेज का 3 एडमिन आपको रखना है। और पहला एडमिन से आपको क्या करना है कि आप देखो इसमें कोई भी एडिटिंग का ट्रिक्स वगैरह अप्लाई नहीं करना है आपको। डायरेक्टली कोई भी मूवी जो वायरल हो रही होती है उस मूवी को उठाना है, बीच से क्लिप को निकाल लेना है, ना तो पिच चेंज करना है, ना स्पीड बढ़ाना, कुछ भी नहीं करना है। कलर कोरेक्शन वगैरह कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा मूवी क्लिप्स आप उठा लो। उस पर कॉपीराइट 100% आएगा भी और आने के बाद भी आप उससे अर्निंग कर सकते हो। तो वे लोग इसी तरह का इसी टॉपिक का यूज करते हैं, इसी ट्रिक्स का यूज करते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो वे लोग करते 3 एडमिन रखते हैं और 3 एडमिन रखने के बाद एक एडमिन जो होता है उसका पे आउट वाला एडमिन होता है। एक एडमिन उसका हो गया पे आउट, जिससे उसमें बैंक लगा हुआ होता है, जिससे वो पेज को मोनेटाइज करता है। और दूसरा एडमिन वैसे ही लगा के छोड़ दिया जाता है दूसरा एडमिन लगाने के बाद, इससे उसको कुछ भी नहीं करना है। और तीसरा होता है अपलोडिंग मूवी का। अब देखो ये तीनों अगर आपने किया जो मैं इस वीडियो में अभी यहाँ पे लिखा हूँ स्क्रीन के ऊपर में, अगर इस तरह से करोगे तो आपको कभी भी कॉपीराइट वगैरह से कोई भी टेंशन वगैरह नहीं रहेगा। 3 एडमिन रखना है आपको, एक जो है पेआउट के लिए रखना है, दूसरा एडमिन जो यहाँ पे मैंने बताया, दूसरा एडमिन को इसलिए रखना है कि मान लो कि अब ये दोनों एडमिन से ही आपको वर्क करना है, इस एडमिन से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैंक लगा के छोड़ देना है, इस दोनों से काम करना है आपको। दूसरा नंबर वाला एडमिन जो रहेगा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना फिलहाल के लिए, तीसरे नंबर वाले एडमिन से आपको वर्क करना है। तीसरा जो मैंने अपलोडिंग जहाँ पे लिख रखा है, तीसरे एडमिन से आपको वर्क करना है, इसी से मूवी क्लिप्स को आपको फेसबुक पेज पे अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो उस पेज के ऊपर में क्या आएगा, कॉपीराइट का मसला आएगा। अगर देखो कॉपी पेस्टेड कंटेंट पे वर्क करते हो तो पेज जो है बहुत चलेगा आपका, तो 2 हफ्ता से ज़्यादा नहीं चलेगा, 2 वीक से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। अब कोई भी इससे अर्निंग करता है तो 2 वीक से ज़्यादा नहीं चलेगा अगर आप कॉपी पेस्टेड से वर्क करोगे तो। तो ये लोग यही करते हैं मूवी क्लिप्स से। और भी मेथड है, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि मूवी क्लिप्स और भी मेथड से कैसे करी जाती है। तो यही है मेन तरीका कि इससे वो मूवी को अपलोड करेगा नंबर 3 वाले आईडी से। और अपलोड करने के बाद हरदम जितनी बार अपलोड करेगा मूवी क्लिप्स उतनी बार उसको कॉपीराइट क्लेम भेजा जाता है। वो सीधे क्या करते हैं कि सबमिट डिस्प्यूट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट डिस्प्यूट करोगे तो आपके वीडियो के ऊपर से कॉपीराइट का जो भी मसला था हट जाएगा 7 डेज के लिए। अब 7 डेज तक वो मोनेटाइज रहेगा, मोनेटाइज से जो भी अर्निंग वगैरह होगी आपको वो भेज दिया जाता है। और फिर दूसरी बार भी अगर कॉपीराइट का मसला आएगा तो दूसरी बार भी आपको यही करना है, सबमिट डिस्प्यूट करना है, फिर से दोबारा हट जाएगा वो उसका लिंक। और तीसरी बार आपको 100% मैं गारंटी कहता हूँ कि तीसरा बार उसका कॉपीराइट नहीं आएगा। तो इसी मेथड का यूज करते हैं ये लोग। और जब इस तरह से अगर आप काम करोगे तीसरे एडमिन से तो तीसरा एडमिन क्या होगा, तीसरा एडमिन पे जो भी फेसबुक वायलेशन वगैरह भेजेगा तीसरा एडमिन को बंद करेगा, तीसरा आईडी आपका जो है ख़राब हो सकता है। तो इससे ज़्यादा जो है आपको एक जो है क्लोन वाला आईडी से ही ये काम करना है। मेन आईडी को हरदम आपको बचा के रखना है, ये भी आपका क्लोन ही रहेगा, ये भी आपका क्लोन ही रहेगा। तो इन दोनों से ये काम करना है। अब तो आपने समझ गया पूरी तरह से कैसे गेम खेला जाता है। ठीक इसी तरह से जो है अभी भी वर्किंग चल रहा है। जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा बंदा है जो पहले अपने सेल्फ कंटेंट से वायरल किया था उस पेज को वायरल करने के बाद यही मेथड अप्लाई करता है कि तीसरे एडमिन को लगाता है जो कि वो नया बना लिया होता है या फिर कहीं से भी बाय किया होता है वो आईडी, उस आईडी से एडमिन एक्सेस दे दिया जाता है इस पेज को। और इस पेज को एक्सेस देने के बाद चाहे एक्सेस लेवल एडिटर का हो, मॉडरेटर का हो, कम से कम वीडियो एडिटर वाला एक्सेस लेवल होना चाहिए, एडमिन एक्सेस लेवल आपका जो है अपने हिसाब से करें एडमिन एक्सेस लेवल। तो चलाएंगे तो आप ही यूज तो करेंगे, आप ही, कोई तीसरा बंदा रहेगा नहीं, वो भी आईडी आप ही का रहेगा, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। और इसी ट्रिक का यूज करके अभी जो लोग अर्निंग करते हैं मूवी क्लिप से कॉपी पेस्टेड कंटेंट से, यही तरीका है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ फ्रेंड्स जो मैंने इस वीडियो में बताया ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, यही होता है, ये इसी तरह से काम करते हैं। और अगर आपको भी करना है तो यही मेथड आपको अपनाना होगा। आप जो सोचोगे कि जिन तरीके से हम एक ही आईडी से एडमिन से काम कर लेंगे तो ऐसा आपसे नहीं होने वाला है, फेसबुक आपके पेज को अप्रूव ही नहीं करेगा।
अब जब तक नहीं आप अपने सेल्फ कंटेंट से वीडियो को वायरल करोगे तब तक वो अप्रूव नहीं करेगा। हाँ, एक साथ 10-12 पेज को, 2-3 या 5 पेज को रिव्यू के लिए भेजते हो तो हो सकता है उसमें से एक पेज को अप्रूव कर दे फेसबुक, तब आपका काम चल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इनस्ट्रीम एड से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मिलते हैं एक एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।